में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना विकास और चीनी मिल विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना श्री संजय भूस रेड्डी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग श्री संजय प्रसाद जी, गन्ना विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और जिन 77 गन्ना समितियों को प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 77 ट्रैक्टर और मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, होली की पूर्व संध्या पर उन्हें इस प्रकार की उपहार मिलना ये वास्तव में होली के आनंद को कई गुना बढ़ा देगा। मैं इसके लिए उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर अन्नदाता किसानों की क्या स्थिति थी। देश की आजादी के बाद किसान भी किसी सरकार के एजेंडे के हिस्से बने और ईमानदारी से व्यवहारिक धरातल पर शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो, यह संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर विराजमान हुए। और आज आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जो निर्णय लिए उनमें से सॉयल हेल्थ कार्ड से शुरू होता है, जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किसान बीमा की योजना, कृषि सिंचाई की योजना, और आज आपने देखा होगा समर्थन मूल्य में लागत का 1.5 गुना दाम देने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर उस किसान को उपलब्ध कराने जो पहले साकारों पर निर्भर रहता था। और आज अगर प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे तो 2,60,00,000 किसान इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें हमने पिछले 3.5 वर्ष के अंदर जिन अन्नदाता किसानों को 51,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उपलब्ध कराया है। किसान तो किसान होता है, उसकी कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। 2017 के पहले क्या स्थिति थी प्रदेश के अंदर किसानों की? पानी नहीं मिल पाता था, बिजली नहीं मिलती थी, दशकों से लंबी सिंचाई की परियोजनाएं जहां की तहां पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम क्या रहा? लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई। और सिंचाई बुनियादी सुविधा है, किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय से तकनीक मिले, खेत को समय पर पानी मिले और समय पे उसकी उपज का उसे उचित दाम मिल जाए। हमारा अन्नदाता किसान तो यही चाहता है। और यही तो कमी थी 17 के पहले, प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था, खेती घाटे का सौदा मानी जाती थी। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की अपनी पूरी टीम को,
आज जब यहां पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, इतना बड़ा इवेंट, 77 ट्रैक्टर एक साथ प्रदेश की गन्ना समितियों को, अन्नदाता किसानों के लिए, गन्ना उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नया रिकॉर्ड भी बना रहा होगा। और रिकॉर्ड है कि पहली बार सरकार के भी 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं हुए, आज जब यहां पे आप इन ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे होंगे, तब अन्नदाता किसानों के खाते में 2,00,000 करोड़ रुपए से की अधिक राशि गन्ना मूल्य के भुगतान की भी पहुंच रही होगी। 2,00,000 करोड़ अनुमान कर लीजिए भाइयों बहनों, देश के कई राज्य होंगे जिनका वार्षिक बजट 2,00,000 करोड़ का नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।